साढ़े चार साल तक राज्य में सत्ता में रही बीजेपी भले ही अब विपक्ष की भूमिका में आ गई हो, लेकिन लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ है। शुक्रवार को हिसार के अलग अलग गांव में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसानों में उनके खिलाफ गुस्सा इस हद तक था कि उनके काफिले को गांव में घुसने नहीं दिया गया। सबसे पहला विरोध नारनौंद क्षेत्र के नाड़ा गांव में हुआ। ऐसा ही विरोध खानपुर और सिद्धड़ में भी देखने को मिला। हालत ऐसी हो गई कि दुष्यंत को रात के अंधेरे में कच्चे रास्ते से निकलना पड़ा और अन्य गांव में जाने का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। ले वो बाज क्या रहा है दुष्यंत। ओ बाज क्या भाई, दूसरी गाड़ी बदल के गांव खानपुर में जोरदार विरोध और दुष्यंत भाई गाड़ी बदल के बैठ गया साइड में। इससे पहले नारनौंद के नाड़ा गांव में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे दुष्यंत चौटाला को किसानों ने काले झंडे दिखाए और उनका रास्ता रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ उनकी बहस भी हो गई। बहस के बाद किसान भड़क गए। उनका कहना था कि दुष्यंत ने उनसे कहा है कि उन्हें राजनीति न सिखाएं। किसानों ने चौटाला को गाँव के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर पैदल जाने पर मजबूर कर दिया। भैया तुम राजनीति करोगे क्या? ईपी ये मेरे को ये वर्ड बोले आज भी है, आज भी है। तुम राजनीति करोगे क्या? था हमने विरोध कर रहे, नेता बनना चाह रहे हो आप तो करें। हमने आपको क्या बोला था? वो तो अगले से पूछो किस पार्टी बनना चाह रहे हैं, किस हमारे पता लगा रहे हो। हमने कहा था जी आज कैसे आ गया आप? बोला तू राजनीति कर सिखाओगे। अच्छा नीति कहा दुष्यंत ने मेरा क्या कहा भाई आपको? हाँ सवाल करें काम में पैदल जाओ तू सिखाओ राजनीति करना। दरअसल किसानों का कहना है कि सत्ता की लालच में दुष्यंत चौटाला बीजेपी की गोद में रहे। उन्हें तब हमारी सुध नहीं आई जब हम पर केस मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रदेश की सीमाओं पर कटीली तारें दीवारें बना दी गयी। सत्ता में होने के बाद भी दुष्यंत ने इन सब का विरोध नहीं किया। वहीं किसानों के आक्रोश का सामना कर रहे दुष्यंत पर उनके चचेरे भाई अर्जुन चौटाला ने भी चुटकी ली है। किस तरीके से हरियाणा की स्थिति देख रहे हैं इन चुनावी माहौल में, प्रचार के इस दौर में क्या कहते हैं? चुनावी दौर में मेरे को
एक कल वाली वीडियो देख के बड़ी पुरानी बात याद आती है, जब ये नए नए न्यारे हुए थे, इनके बड़े ही हवा में चढ़ा करते थे, सरकार का भी हिस्सा बन गए थे, ज्यादा ही हवा में रहते थे। चौधरी अभय सिंह जी ने एक बात कही थी इनकी, उसमें कही थी, आपको रिकॉर्ड में भी मिल जाएगी, कि तुमने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा कराया, तो तुम्हारे कपड़े फाड़े गए। उस समय दुष्यंत ने जवाब दिया, मैंने क्या कर दिया, आज उससे पूछ लेना तुमने क्या कर दिया, आज लोग तेरे, बाकी वो बात सच हुई है, तेरे कपड़े फाड़े। बता दें कि कुछ ऐसा ही हाल केंद्र और राज्य में सरकार चला रही भाजपा का भी है। चुनाव प्रचार के लिए अपने अपने इलाकों में जा रहे भाजपा प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर अशोक तंवर, अरविंद शर्मा और मोहनलाल बड़ौली तक लोगों का विरोध झेल चुके हैं। बीजेपी और जेजेपी किसानों के इस आक्रोश में कैसे निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।